स्कूल में था तब से म्यूजिक तो मैं इंटरेस्ट तो था मैं गिटार मैंने पिकअप कर लिया हम एक बैंड में थे मैं और सवेरा मेरे जो पार्टनर है जिससे साथ हमने काफ़ी मूवीज़ के सॉन्ग्स uh, करे हैं या, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि वो करियर बन सकता है फिर मम्मी पापा ने बोला कि डिग्री तो चाहिए कॉलेज तो जाना ही मुझे नहीं जाना था कॉलेज मैंने बोला कि मुझे कथकली डांसर बनना था तो उन्होंने बोला कि बाद में कर, <laughs> करना है तो करना पहले डिग्री चाहिए फिर मैंने बोला कि मुझे स्ट्रीट मजिशियन बनना है हाँ. तो उन्होंने बोला कि वो सब ठीक है लेकिन डिग्री चाहिए बट बट यू यू आर मैजिक थ्रू म्यूजिक या थैंक दैट इज नॉट थिंकिंग इन माइंड तो uh, मैंने बोला ठीक है मैं कॉलेज जाता हूँ एंड आई वेंट टू अ लिबरल आर्ट्स कॉलेज तो वहाँ मुझे बहुत सारे ऑप्शंस थे कि ये भी ट्राई कर सकते हो ये भी ट्राई कर सकते हो और मैंने मैथ्स डिसाइड करा कि मैं वो पढ़ूंगा और वहाँ म्यूज़िक uh, का कोर्स नहीं था वो टाइम पे तो वो करता था लेकिन काफ़ी बार कोई वर्कशॉप होती थी म्यूज़िक या कुछ तो मैं मेरे टीचर को बोलता था कि ये वर्कशॉप हो रहा है चेन्नई में मैं जा सकता हूँ एंड दिल भी लगे हाँ चल तू चले जा हुँ, हुँ, तो वहाँ से ही चालू हो गया एंड आफ्टर कॉलेज डिग्री मिल गई मैथ्स का तो पेरेंट्स ने बोला नाउ यू यू कैन डू व्हाट काफी म्यूजिक कर चुका था आई डन लॉट ऑफ लाइक बट तभी भी मैंने मम्मी को, को पूछते थे व्हाट आपका बेटा क्या करता है तो वो बोलते कि वो कुछ टिंग 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 म्यूजिक करता है <laughs> लेकिन वो मैच पड़ा हुआ है <laughs>

डिफिकल्ट चीज़ें करनी पड़ी थी आ, बट तभी तो मुझे ऐसा स्ट्राइक नहीं हुआ यार मैंने ज़्यादा सोचा ही नहीं मैंने सोचा कि हाँ मैं म्यूजिक कर रहा हूँ अच्छा किसी ने बोला कि आई पे यू सम फाइव थाउजेंड रुपीज टू डू नथिंग एंड आई लाइक अच्छा मुझे कोई पैसा दे रहा है म्यूजिक के लिए ठीक <laughs> है आई एल डू इट फिर एक दिन सालों के बाद मुझे लगा कि शायद यही मेरा प्रोफेशन बन गया है डेवर टाइम वेन थिंग्स वर नॉट ईजी बट इट वॉज अ प्रॉब्लम इट वॉज फाइन